हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली डेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल होने वाला है। तो फ्रेंड बने रहें वीडियो के अंत तक। फ्रेंड, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट्स नेम ऑफ डीओ सेंसर। चलिए फ्रेंड, आज हम जो डीओ सेंसर है उसके पार्ट्स के नामों के बारे में जानेंगे और उनके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या फंक्शन करते हैं उनके बारे में समझेंगे डिटेल से। पहले तो हम समझ लेते हैं डीओ क्या होता है। जो डीओ का पूरा नाम होता है उसे डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। तो फ्रेंड ये क्या होता है, जो जल में या लिक्विड में जो विलेय या घुलनशील जो घुलित जो ऑक्सीजन होती है उसे हम लोग डीओ कहते हैं, यानी डिजॉल्व घुला हुआ, यानी कि जो लिक्विड है उसमें घुला हुआ ऑक्सीजन। तो फ्रेंड डीओ सेंसर के मुख्य घटक जो है इस प्रकार है, कुछ समझ लेते हैं। तो इसमें कुछ फ्रेंड 12 पार्ट्स हैं, जो मेन मेन मुख्य पार्ट हैं जो डीओ सेंसर होता है जो नीचे पानी में रहता है उसके बारे में चलिए फ्रेंड समझ लेते हैं। इसके पहले हम पूरे पार्ट पे फोकस कर लेते हैं, फिर एक एक पार्ट का डिटेल में समझेंगे। पहला है सेंसर, दूसरा है झिल्ली जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट, इसके बाद चौथा है मीटर, इसके बाद पांचवा है बैटमेट कनेक्टर, इसके बाद सिक्स नंबर है ब्लू एलईडी एक्सीटेशन लाइट, इसके बाद सेवन है रेड एलईडी रेफरेंस लाइट, इसके बाद एट नंबर है टाइटेनियम हाउसिंग, इसके बाद नाइन नंबर है सर्किट बोर्ड, इसके बाद टेन नंबर है फोटो डिटेक्टर, इसके बाद इलेवन नंबर है डिफ्यूजन लेयर, 12 नंबर है ल्यूमिनस एंड डाई। तो फ्रेंड ये 12 पार्ट्स हैं जो मुख्य पार्ट हैं सेंसर के, जो हमारा डीओ होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं डीओमीटर, उसमें जो सेंसर रहता है उसके पार्ट्स के बारे में आज हम समझ रहे हैं। चलिए फ्रेंड, इसमें पहला है सेंसर। तो सेंसर एक जांच या सेंसर जो झिल्ली में फैली ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाता है। जो ये सेंसर है या सेंसर जो झिल्ली में फैली ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा का पता लगाता है, कितने परसेंट जो ऑक्सीजन है। इसके बाद दूसरा है मेम्ब्रेन या झिल्ली, यह एक अर्ध पारगम झिल्ली होती है जो ऑक्सीजन को गुजरने देती है। यह जो झिल्ली होती है मेम्ब्रेन होती है, ये ऑक्सीजन को गुजरने देती है, यहाँ से अर्ध पारगम होती है। इसके बाद तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट, जांच कैंप में एक बफर्ड इलेक्ट्रोलाइट जो ऑक्सीजन को कैथोड के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। इसके बाद चौथा है मीटर, वह उपकरण जो डीओ सांद्रता प्रदर्शित करता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड आते हैं पांच नंबर बैटमेट कनेक्टर। बैटमेट कनेक्टर एक प्रकार का कनेक्टर ही है जिसका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, जिसमें डाउन होल सेंसर को डेटा अधिग्रहण प्रणाली के प्रणाली से जोड़ना और आपतित ऊर्जा स्रोतों को तटीय केबलों से जोड़ना शामिल है। इसका सिक्स नंबर है ब्लू एलईडी एक्सीटेशन लाइट, सेंसर की जांच में एक चमकदार पदार्थ या डाई होती है जो नीली रोशनी से उत्तेजित होने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित करती है। सेंसर में एक फोटो एडिटर भी होता है जो नीली रोशनी और लाल रोशनी के बीच के चरण या अंतर को मापता है। पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा इस कलांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके बाद सेवन नंबर है रेड एलईडी रेफरेंस लाइट, डीओ सेंसर में लाल एलईडी सेंसर के माप की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए संदर्भ के रूप में कार्य करता है। इसके बाद एट नंबर है टाइटेनियम हाउसिंग, टाइटेनियम हाउसिंग का प्रयोग विघटित ऑक्सीजन या डीओ सेंसर के लिए किया जाता है ताकि उन्हें कठोर परिस्थितियों से बचाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे गहरे अनुप्रयोगों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसका नाइन नंबर है सर्किट बोर्ड, डीओ सेंसर के लिए सर्किट बोर्ड में सिग्नल कन्वर्टर बोर्ड और आर्डिनो बोर्ड शामिल हो सकते हैं। सिग्नल कन्वर्टर बोर्ड जांच के बीएनसी कनेक्टर से जुड़ता है, बीएनसी का मतलब होता है बायनेट नेल कौनसिल मैन, और आर्डिनो बोर्ड सिग्नल कन्वर्टर बोर्ड के आउटपुट एनालॉग पिन से जुड़ता है। सिग्नल कन्वर्टर बोर्ड को 9 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाना चाहिए और ग्राउंड को ग्राउंड से जोड़ा जाना चाहिए।
इसके बाद फ्रेंड फोटो डिटेक्टर 10 नंबर। डीओ सेंसर में फोटो डिटेक्टर पानी के नमूने में घुली ऑक्सीजन की सांद्रता को मापने के लिए फ्लोरोसेंट डाई से निकलने वाले प्रकाश का पता लगाता है। फोटो डिटेक्टर का सबसे अहम हिस्सा एक फोटो डायोड होता है जो एक अर्धचालक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके बाद 11 नंबर यानी 11 डिफ्यूजन लेयर। डीओ सेंसर की प्रसार परत वह क्षेत्र है जहां ऑक्सीजन डाई परत की चमक को प्रभावित करने के लिए आगे बढ़ती है। संवेदन परत से गुजरने वाली ऑक्सीजन की मात्रा चमक के जीवन काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है जो सेंसर के जीवन काल को मापता है। इसके बाद 12 नंबर है और लास्ट पॉइंट है जो ल्यूमिनेसेंस डाई। डीओ सेंसर में इस्तेमाल की जाने वाली ल्यूमिनेसेंट डाई को ल्यूमिनोफोर कहा जाता है। ल्यूमिनोफोर एक ऐसी सामग्री है जिसे सेंसर कैप पर लेपित किया जाता है और प्रकाश उत्सर्जक डायोड से नीली रोशनी द्वारा उत्तेजित किया जाता है। ल्यूमिनोफोर तब उच्च तरंग दैर्ध्य जैसे कि लाल पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा ल्यूमिनेसेंस को प्रभावित करती है और सेंसर डीओ स्तर निर्धारित करने के लिए इस प्रभाव को मापता है। तो फ्रेंड ये थी जानकारी हमारी डीओ सेंसर के पार्ट्स के नामों के बारे में और उनके डिटेल के बारे में और वो क्या फंक्शन करते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं जो क्या क्या फंक्शन करते हैं, उन सब के बारे में आज हमने समझा। तो फ्रेंड आशा है कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।